नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। नैना पटना एयरपोर्ट पर विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का आगमन हो चुका है। ये देखिए तस्वीर है पटना एयरपोर्ट की, जिस तरह से किस तरीके से काफी सुरक्षा के बीच जो है यशवंत सिन्हा जो है, देखिए उनका काफिला जो है वो जा रहा है। देखिए अब पटना एयरपोर्ट पर जो है यशवंत सिन्हा पहुंच चुके हैं। क्या करेंगे, किस तरह से कहेंगे कि रोक दीजिए, रोक दीजिए, ये विपक्षी नेताओं, विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार हैं। हम सब लोग सॉलिडरिटी के साथ समर्थन कर रहे हैं। सारे विपक्षी दल एकजुट होकर उनके समर्थन को कौन कौन आ रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी और सभी वामपंथी साथी, कांग्रेस के साथी सब लोग आ रहे हैं। सभी जो थे राजद के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता, जिनका साफ तौर से कहना है कि आज कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है जहां विपक्ष के तमाम नेता हैं वो शामिल होंगे। और देखिए यह काफिला जो है एयरपोर्ट से जो रवाना हुआ है, यह पटना एयरपोर्ट का हम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एनडीए की ओर से खुद बीते दिन द्रौपदी मुर्मू पटना पहुंचे थे। आज विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का आगमन हुआ है और आज विपक्ष की ओर से बड़ा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। विशेष तौर पर बैठक भी होने वाली है जिसमें तमाम महागठबंधन के घटक दल शामिल होंगे, जहां जिसका नेतृत्व जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करने वाले हैं। वहीं अब यशवंत सिन्हा का भी आगमन जो है पटना में हो चुका। पहली बात होगी कि जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू का आगमन पटना होने के बाद में जो है विपक्ष के अब उम्मीदवार पहुंचे हैं, तो क्या कुछ बातें होती है बैठक में, कौन कौन शामिल होते हैं, क्योंकि जिस तरह से बिहार में अलग थलग विपक्ष के पार्टियों का जो रवैया है वो हो चुका है, अलग थलग हो गए हैं। ऐसे में क्या राष्ट्रपति उम्मीदवार के आने के बाद में क्या विपक्षी पार्टियों का एकजुटता बढ़ेगी, यह तो देखने वाला विषय होगा। लेकिन उससे पहले यह तस्वीर है पटना एयरपोर्ट के, जहां हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो यशवंत सिन्हा हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार वो पहुंच चुके हैं और साथ ही राजद के नेताओं का भी जो है वो काफिला है। साथ ही साथ यशवंत सिन्हा के साथ में काफ़ी सिक्योरिटी जो है वो गाड़ी में मौजूद थे और राजद के नेता भी थे। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से विपक्ष की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं, क्या कुछ है आज की बैठक में विपक्षी पार्टियों का बातचीत होता है वो भी हम साझा करेंगे। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, धन्यवाद। यशवंत सिन्हा पटना पहुँच चुके हैं और उनके स्वागत में विपक्षी खेमे से कई नेता जो है पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं बात करने के लिए। तो